विवादित भाषण पर चुनाव आयोग ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती को दिया नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब। मंडी में हुई भाजपा की संकल्प रैली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती द्वारा दिए गए विवादित बयान पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने सत्ती को नोटिस भेजकर 24 घंटे के अंदर अपना जवाब देने को कहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने नोटिस भेजने की पुष्टि की है। ठाकुर ने बताया कि इस संदर्भ में उन्हें सदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से शिकायत मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनावी रैली में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। इसी आधार पर सत्ती को नोटिस भेजकर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। बता दें कि 24 घंटों की समय सीमा सत्ती को नोटिस रिसीव होने के बाद शुरू होगी। ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि जो जवाब आएगा उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि नोटिस में सत्ती द्वारा बाजू तोड़ने की बात का स्पष्ट तौर पर जिक्र किया गया है। इस पर सत्ती से जवाब भी मांगा गया है। अब सत्ती के जवाब का इंतजार रहेगा, जिसके बाद चुनाव आयोग आगामी कार्रवाई को अमल में लाएगा। इससे पूर्व भी सतपाल सत्ती पर, राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए उनके चुनाव प्रचार पर 48 घंटे की पाबंदी लगा दी थी। अब देखना है कि चुनाव आयोग के समक्ष सत्ती अपनी क्या सफाई पेश करते हैं और चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है। सुनिए क्या कहते हैं सतपाल सत्ती को नोटिस देने के बारे में मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर और सत्ती द्वारा मंडी की रैली में की गई टिप्पणी का वीडियो। पिछले कल शेरी मंच पे जो रैली आयोजित की गई थी उसमें बीजेपी प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट सतपाल सत्ती जी ने अपने भाषण में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो कि एमसीसी के अंतर्गत नहीं करने चाहिए थे। इसको ध्यान में रखते हुए और जो हमारे पास एक शिकायत आई है उसके आधार पर हमने उनको एक नोटिस इशू किया है और उनसे जब नोटिस उनको सर्व हो जाएगा तो उसके 24 घंटे के अंदर उनसे जवाब मांगा है कि वो अपना इस विषय में अपना स्पष्टीकरण दे, उसके उपरांत जो आवश्यक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ये लोग बोलते हैं जब हम लोग पंजाबी में कड़वा शब्द बोल देते हैं तो लोगों के पेट में मरोड़ हो जाता है, बड़ी दिक्कत आती है। भैया पंजाबी का इतना ही छोड़ूंगा, फिर पंजाबी ऐसे जल्दी, फिर ऐसे ही चलता है काम। फिर जो हमारे बात को चोर बोलेगा उसको भी हम लोग ऐसे बोलेंगे। ये तो थोड़ा कोड ऑफ कंडक्ट, नहीं तो मैंने कर देना था साहब, बता कर देना मैंने अभी साहब साहब। हमारे सामने नेता लोग बैठे, अगर कोई भी की और उंगली उठाएगा हम लोग उसकी बाजू काट करके उसके हाथ में पकड़ा देंगे। हम कोई लल्लू पल्लू कार्यकर्ता नहीं, हम लोग लल्लुओं की जमात नहीं है। हम लोग अपना कैरियर बनाने के लिए नहीं काम रहे हुए हैं कि लल्लुओं की जमात है। आप लोग हमारे नेताओं को गाली दो और हमसे तुम लोग उत्तर स्वरूप प्रसाद ढूंढो, नहीं मिलेगा।